गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस ड्राइंग क्लास में पेज नंबर 10 पे देखो तो ये सीनरी जो आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे डॉटेड लाइन में सीनरी बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल से उसको डार्क कर लो, फिर आपको इसमें वैक्स पेन या पेंसिल कलर करना है। तो ध्यान से देखो तो स्काई में आपको ब्लू का शेड लेना है। ब्लू का शेड यहाँ पे ब्लू है, पर आप ब्लू में डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इसमें थोड़ा कुछ डार्क ब्लू मिक्स करके लाइट ब्लू के साथ आप शेडिंग कर सकते हो। ट्रिकी अंदर यहाँ पे ग्रीन है, लाइट ग्रीन, आप डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, लेमन येलो कलर लेके मिक्सिंग करके शेडिंग कर सकते हो। उसके ट्रंक के अंदर लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर ले सकते हो। सैंड यहाँ पे दिखाया हुआ है, वहाँ पे ब्राउन कलर या पीच कलर या तो लाइट ग्रीन कलर, ग्रीनरी दिखानी है आपको, आपको तो लाइट ग्रीन कलर और लेमन येलो कलर में मिक्सिंग आप कर सकते हो। स्टोन के अंदर ग्रे कलर और पर्पल कलर कर सकते हो। फिर है टेम्पल, तो टेम्पल के अंदर भी आप अपने मनपसंद के कलर कर सकते हो। ओके, ये तो होगी हमारे आर्ट बुक की बात। आर्ट बुक के अंदर आपको ड्राइंग ऑलरेडी बना हुआ है, नया कुछ करना नहीं है। डॉटेड लाइन में ड्राइंग है, उसको डार्क करके आपको ड्राइंग करके कलर करना है। पर एक्स्ट्रा क्या करना है, एक्स्ट्रा जो है सीनरी बुक में आपको क्वालिटी बताऊंगा। ड्राइंग करते समय सीनरी आपको बनानी है तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको प्लेन बुक के अंदर जो पेज है वहां पे आपको आधे आधे इंच का बॉर्डर बना लो। ओके, ऐसे बॉर्डर बना लिया, फिर हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, बॉर्डर बनाने के बाद प्लेन बुक के अंदर बॉर्डर बनाने के बाद फिर इसके सेंटर में एक लाइन बना लीजिए दो पार्ट में। ओके ओके, अभी ये जो ऊपर का पार्ट है ये स्काई के लिए होगा, स्काई और यहाँ पे जमीन बनेगी, स्काई और जमीन। कैसे लैंडस्केप बनेगा, सीनरी अगर बनाने को लैंडस्केप बना रहा है तो आपको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए पेज को। फिर ऊपर वाला जो पार्ट है हम यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम हाउस बनाएंगे। ड्रॉइंग एक्सपेंड लेंसेज से लाइट लाइट बननी चाहिए, एकदम लाइट लाइट। ओके, इसके बाद एक और हाउस बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पे कुछ ग्रास वगैरह बनाना है, तो इस तरह से ग्रास में बनाएंगे। पीछे कुछ माउंटेन जैसा दिखाना है क्योंकि बैकग्राउंड में माउंटेन आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर भी कुछ ग्रास वगैरह बना लेंगे ऐसे। अभी देखो यहाँ पे हाउस में माउंटेन ग्रास जैसा बन गया, पर ये साइड खाली है। ड्रॉइंग में बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस होना चाहिए ड्रॉइंग में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और ट्री बना लेंगे। इस तरह से पूरी ड्राइंग बनेगी। इसमें कुछ ऐड करना है तो स्वैप वगैरह अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बोर्ड बनाना है तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसे ड्राइंग बना के सबसे पहले आपको कलर जो है वो बैकग्राउंड के अंदर ये जो स्काई है वो करेंगे, माउंटेन के अंदर करेंगे ग्रे कलर या ब्राउन कलर, यहाँ से लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लेमन येलो कलर ले सकते हो। ड्रॉइंग में डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इस साइड से पूरे ड्रॉइंग के अंदर इस साइड से लाइट हो,
जैसे कि ये वाला रंग लाइट होगा, ये लाइट होगा, ये लाइट होगा, ये वाली दीवारें में रहेगा डार्क होगी, यहाँ पे येलो करो, ये पीच कलर करो, ब्राउन करो, पानी है तो ग्रीन करो, और यहाँ पे ग्रीनरी कर सकते हो या पीच कलर कर सकते हो। तो ड्राइंग के हिसाब से आपको कलरिंग भी करना है और ध्यान रखना है। तो ये ड्राइंग जो है वो आपको आर्ट बुक के अंदर करनी है, और ये वाली ड्राइंग जो है वो आपको प्ले बुक के अंदर करना है। वैक्स पेन कलर भी करो या तो पेंसिल कलर भी करो, स्केच पेन कलर नहीं करना है। थैंक यू।